अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से कर रही थी तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी, उसके बाद में मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी थी और रोटियाँ भी मैंने बना दी हैं। तो मैं घी लगा रही हूँ रोटियों पर ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहती हैं रोटियाँ। तो अभी मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हॉलीडेज चल रहे हैं बच्चों के, तो कोई टेंशन नहीं है, वरना तो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है बच्चों के लिए। बहुत जल्दी से उनके लिए भी लंच वगैरह पैक करना होता है। और मेरे बेटे का स्कूल बहुत जल्दी का रहता है, 7 बजे हमें उसे बस स्टॉप पे छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी उठना होता है बहुत ज़्यादा, ताकि उसे रेडी कर दूँ, लंच वगैरह पैक कर दूँ और उसके बाद में उसको नाश्ता भी कराना होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। और उसको रेडी कराकर तब मिनिमम 1 घंटा हमें लग जाता है, उसके साथ मुझे लग जाता है 1 घंटा, तो इसलिए थोड़ा और जल्दी उठना होता है। और मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे, तो इसलिए थोड़ा मैं लेट उठती हूँ। फिर रात में इतनी गर्मी होती है कि नींद नहीं आती प्रॉपर, और दिन के टाइम बहुत अच्छी से नींद आती है। और ये हो गया है मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक। तो अभी मैं फ़िलहाल जो मैंने रोटियां बनाई थी अपने और अपने बेटे के लिए भी, मैं रोटियां तभी बना लेती हूँ क्योंकि फिर किचन पूरा फैल जाता है, पूरा मैसी हो जाता है। तो दो तीन रोटियां मैं तभी लेती हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना लेती हूँ 2-3 रोटियां। मेरे हस्बैंड इतने फ्रेश होने लगे हैं, उतने ही मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है उनका। और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद में मैंने नाश्ता बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने के बाद फिर उनको नाश्ता देना था मुझे। तो रोटियां मेरी बन चुकी थी और अब मुझे यहाँ से क्लीनिंग करनी थी। मैं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ कि मैं खाना खा लूँगी या फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं क्लीनिंग करूँगी, मैं हैंड टू हैंड क्लीन करती हूँ। अभी जैसे कि थोड़ा गैस गर्म भी था, तो इसलिए फिर भी मैं हैंड टू हैंड ही क्लीन करती हूँ। मुझे आदत है ऐसी कि फौरन मैं क्लीन करती हूँ। मुझे यहाँ पर बिखरा हुआ किचन में या कहीं पे भी मैसी मुझे पसंद नहीं है, बहुत बुरा लगता है गंदा घर या फिर किचन, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही उसे क्लीन करते जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा किचन थोड़ा सा क्लीन हो चुका है। अभी मुझे करना था, दूध को बॉईल करने लगी हूँ, बट आज हमारा दूध नहीं आया है जहाँ से हम दूध मंगवाते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर से ही दूध मंगवाया है पैकेट वाला। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ पैकेट वाला दूध, कभी कभी अगर मिस हो जाता है तभी मैं दूध मंगवाती हूँ। और साथ साथ में मैं वाटर बॉटल जो कि नाइट में भी खाली होती रहती हैं, और जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो तब भी मैं बहुत पानी पीती रहती हूँ। तभी भी मैं हैंड टू हैंड वाटर बॉटल भर के रखती रहती हूँ ताकि खट्टा ना हो। मैं बिल्कुल भी खट्टा नहीं करती हूँ बॉटल, हैंड टू हैंड मैं भर के उन्हें रखती रहती हूँ फ्रिज में ताकि पानी ठंडा होता रहे। और यह है टोस्ट, टोस्ट को मैं एयर टाइट कंटेनर में रख रही थी, ख़त्म हो गए थे टोस्ट, और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद है टोस्ट। इसके अलावा वो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेता है। और ये बोतल एक और पड़ी थी, अभी खाली हुई है, मैंने इसमें से भी पानी पिया था थोड़ा सा, तो उसको भी मैंने फ़ौरन से भर के रख दिया है। अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। फ़िलहाल अभी मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो मैं उन्हीं को पहले जल्दी से दे दूँगी ब्रेकफास्ट ताकि उन्हें देर ना हो, नहीं तो उन्हें लेट हो जाए। तो मैंने 2-3 ब्रेड पे पीनट बटर लगा लिए हैं, उसके बाद में 2-3 मैंने टोस्ट रख दिए हैं, और एक कप में मैंने डाल दिया है दूध। मैं चाय नहीं बनाती हूँ मॉर्निंग में, हमें आदत नहीं है चाय पीने की बिल्कुल भी, और ना ही मैं अपने बेटे को चाय देती हूँ, बहुत कम मैं उसे चाय देती हूँ, कभी अगर वो ज़िद करता है तभी मैं उसको चाय देती हूँ, अदरवाइज़ मैं चाय बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और बहुत कम चाय हम बनाते हैं, मैं बहुत कम चाय बनाती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं बनाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, तो मैं उन्हें ब्रेकफास्ट दे दिया है। अब वो मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। अब ये देखें आपके रूम की हालत,
मॉर्निंग के टाइम ये हाल होता है रूम का। मैंने अपने हस्बैंड को भी लंच बॉक्स वगैरह दे दिया था, मैंने अपने बेटे को भी नाश्ता वगैरह करा के उसे भी भेज दिया था, और उसके जैसे कि हॉलीडे होमवर्क हो रहे हैं तो स्टडी टेबल और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े ये सब ऐसे ही बिखरा हुआ था रूम बुरी तरह से। अभी मुझे क्लीनिंग करनी थी फटाफट से, तो ये ब्लैंकेट्स वगैरह मैं फोल्ड कर दूंगी जल्दी जल्दी। और मेरा बेटा भी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए चला गया है, तो उसने एक बार कलाम पाक पढ़ लिया है बट वो दोबारा से रिपीट कर रहा है, और साथ में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत वो उर्दू भी पढ़ता रहे, तो इसलिए अभी वो फ़िलहाल जा रहा है। तो अच्छा है, जितना बच्चा रिपीट करता है उतना और अच्छे से उसका जहन अच्छा हो जाता है, और अच्छे से उसको जो भी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं कलाम पाक में पहली बार में, वो सेकंड टाइम में रिपीट करने में सब ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रिपीट करने के लिए उसे भेज रही थी, तो दोबारा से वो कुरान पढ़ रहा था। तो अपने बेटे को भी मैंने रेडी करा कर भेज दिया था कलाम पाक पढ़ने के लिए, और उसके बाद मैं लगी थी क्लीनिंग करने के लिए। और बेडशीट काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है बेडशीट पे, तो मैं अच्छे से उसे साफ़ करके उसे अच्छे से बिछा रही थी बेड पर सेट कर दिया है मैंने बेडशीट को, और उसके बाद में मैंने कॉलिन ले ली है। बेड को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और ये बास्केट है इसका जो ये कवर है लिड है यहाँ, ये काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि मेरा बेटा कभी कभी कोई बुक्स वगैरह निकाल के रीड करता है। यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है उसने इसे, तो गंदा हो जाता है, तो उसी को मैंने कोलिन वगैरह से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये मिरर वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ डेली। मिरर पे अगर कोई भी डस्ट वगैरह होती है, निशान होते हैं, वो काफ़ी गंदे लगते हैं, तो इसलिए मैं डेली क्लीन करती हूँ। और ये कपड़े वगैरह थे जो कि मुझे धुलने में डालने थे, तो वो सब इकट्ठा करके मैंने धुलने में डाल दिए हैं। आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे बट मैंने अभी फ़िलहाल उनके लिए उन्हें रख दिया है एक साइड पर। नाइट में डेली मैं अपने बेटे का थोड़ा थोड़ा हॉलीडे होमवर्क कराती रहती हूँ, तो रात में मैंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कवर करा दिया था। तो मैं चाह रही थी कि राइटिंग का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाए, राइटिंग होमवर्क जितना भी मिला हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाए हॉलीडे वाला, उसके अलावा फिर मैं लर्निंग स्टार्ट करूँगी। उसको जो भी रिवीजन के लिए दिया हुआ है वो सब उसको लर्न कराऊँगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से उसका सारा राइटिंग वाला सेशन कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनने थे उसके, जो मैं आगे आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दे रखे हैं उसको, तो वो भी बनवाने थे उसके प्रोजेक्ट। इस तरह मैंने मंथ को उसके डिवाइड किया है कि एक मंथ में मुझे 10 डेज राइटिंग का सेशन कराना है, 10 डेज मुझे प्रोजेक्ट कराना है, और लास्ट के जो 10 डेज बचते हैं उसमें मुझे उसका लर्निंग का कंप्लीट कराना है। जो भी उसका लर्न करने के लिए चैप्टर्स वगैरह दे रखे हैं तो वो सभी मुझे उसको याद कराने थे। तो इस तरह से जो मेरे बेटे के 30 डेज थे हॉलीडे के, वो सब मुझे उसमें कंप्लीट कराना था उसका हॉलीडे होमवर्क इस तरह से। तो फिर उसके बाद में मैंने पाइप लगा दिया था, मुझे कूलर में पानी भरना था तो मैंने कूलर में पानी भरने के लिए लगा दिया है, और टंकी को टैप को मैंने स्लो कर रखा था, और इतने ही कूलर में पानी फिल होता इसके बाद में मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम होता है ट्यूशन वालों का आने के लिए 3 बजे का, उससे पहले ऐसे भी होता है कि मोस्टली पार्लर वगैरह में कोई आ जाता है, तो मुझे अपने मॉर्निंग के काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करना होता है। और वैसे भी अभी थोड़ा लेट काम स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा लेट उठ रहे हैं, बट जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग हमें उठना होता है, तो सारे काम भी जल्दी जल्दी से फिनिश हो जाते हैं हमारे, फिर से वही शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद। थोड़ा सा पार्लर का भी काम था 1-2 दिन से मुझे ज़्यादा, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई थी, बट और पार्लर के अलावा भी काफ़ी सारे घर में काम होते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तभी भी कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, और कभी कभी भूल भी जाते हैं वीडियो शूट करनी, तो याद भी नहीं रहता है हमेशा। तो जैसे ही मैं इन सभी कामों से फारिग होती हूँ उसके बाद में मेरा बेटा आ जाता है, उसको लंच वगैरह कराने के बाद में फिर नमाज वगैरह का टाइम हो जाता है, अजान हो चुकी होती है, उसके बाद फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं मेरे। मेरी
क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सामने वाले रूम तक मैंने कंप्लीट किया है, सेकंड रूम जो है मेरा जिसमें मैं ट्यूशन वगैरह देती हूँ बच्चों को, तो वहाँ तक मैंने क्लीनिंग कर दी है, पोंछा वगैरह अच्छे से लगा दिया है, जाल और बेसिन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद में ये दो मेरे पास बॉटल्स थी हैंड वॉश के लिए, डिस्पेंसर जो कि खाली हो चुके थे, तो मैंने रिफ़िल लिया हुआ है हैंड वॉश के लिए। जब भी ये बॉटल्स खाली हो जाती हैं, डिस्पेंसर खाली हो जाते हैं, तभी भी मैं इनमें फ़िल कर देती हूँ। एक हैंड वॉश मैं रखती हूँ बेसिन के पास, वॉश बेसिन के पास, और एक छोटा वाला मैं रखती हूँ बाथरूम में। और ये देखें कि क्लीनिंग मेरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है। किचन को सबसे पहले क्लीन करती हूँ मैं, और यहाँ पर दूध अभी थोड़ा गर्म करने लगी हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था और मुझे आज काफ़ी लेट हो गया था नाश्ता करने के लिए। तो अभी ये सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है और मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये स्टूल्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं पार्लर वगैरह में, कभी मुझे नीड होती है तो मैं यहीं से निकाल कर लेकर जाती हूँ। सामने वाले रूम में मेरे ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो मुझे इसलिए थोड़ा खाली रखना होता है उसे। ये देखें, मैंने रूम भी अपना पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। छोटा सा रूम है मेरा, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है सब चीज़ें अपनी जगह पर। मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ों को अपनी जगह पर ही मैनेज रखूँ, ऑर्गेनाइज करके रखूँ हर चीज़ को उसकी जगह पर, तो रूम और भी ज़्यादा प्यारा लगता है और अच्छा लगता है इस तरह से रूम को क्लीन करके रखना एकदम, तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। और अब बज रहे थे 11 का टाइम हो रहा था, और अब मैं करने लगी थी नाश्ता। नाश्ता मैंने कर लिया है, उसके बाद में मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे आयरन के लिए, तो मैंने ये कुछ कपड़े हाथ से ही वॉश किए थे, तो अभी मैं इनको आयरन करने लगी हूँ। थोड़े थोड़े कपड़े ही मैं आयरन कर रही हूँ आजकल, और जब थोड़े से कपड़े होते हैं तभी मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ और फिर उनको आयरन भी कर लेती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े इकट्ठा नहीं होते हैं। थोड़े से ही कपड़े थे आज आयरन के लिए, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और एक मेरा नया वाला सूट भी था जो कि मैंने स्टिच करके अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था शायद, तो उसी पे मैं आयरन उस पे भी करके रखने वाली थी। इस न्यू वाले सूट के शलवार और दुपट्टे को मैंने आयरन करके रख दिया था। अगर आज का आपको मेरा ये मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।